आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़, एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार जिले के अंतर्गत भाटवाड़ा पंचायत के गांव में बोरा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा घपला देखने को मिला है। चाहे वह आवास के सहायक के द्वारा ही क्यों न किया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बगैर जियो टैगिंग के इनको डबल किस्त का पैसा कैसे पास हो गया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका घर अभी तक नहीं बना है, जबकि इनका डबल किस्त का पैसा पास हो चुका है, इनके खाते में आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसका कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं BH480050 है। ऐसा ही एक अन्य मामला, अभी आप एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं देख रहे हैं। इनको आवास मिला लेकिन अभी तक इनका घर नहीं बना। ऐसा कोड होता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, जैसे ये आपको कोड और है BH492837, BH479283, BH479829। ये भाटपाड़ा पंचायत में ऐसे बहुत सारे मामले प्रकाश में आए हैं। हमारे एकलव्य मानव संदेश के कटिहार के ब्यूरो चीफ मांगन मुखिया ने ये रिपोर्ट आपको भेजी है, और सुनिए क्या है पूरी खबर, अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सरकार को पता चल सके कैसे गरीबों के मकान बनाने के नाम पर कैसे ठगियाई की जा रही है और योजना की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई की एकलव्य मानव संदेश मांग करता है। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एकलव्य मानव संदेश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संबंधित समस्याएँ हैं, विश्व सूत्रों से पता चला कि इनका दो किस्त इंदिरा आवास का उठ चुका है, मगर अभी तक इन्होंने घर नहीं बनाया है। जबकि आप भी जान रहे हैं बेगर जियो टेक का इधर उधर ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए आपको जो भी दिखाने जा रहे हैं, आप अपने से ही देखिए कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, सही है या नहीं है, वह आपका हाथ में फैसला लेना। और कैसे इनका दो किस्त पास हुआ और किसने किया, ये भी बहुत मायने बात है। यही नहीं, इस पंचायत के अंतर्गत विश्व सूत्रों से पता चला है कि तकरीबन ऐसा ऐसा समस्या बहुत है, जो कि आप आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे। अभी आप यह देखिए कि दो किस्त लेने के बाद भी इनका, अभी इंदिरा आवास लेने के बाद भी अभी तक इनका घर नहीं बना हुआ है, और दो किस्त इनका कैसे उठा और किसने उठाया यह आपको बखूबी दिखा रहे हैं, जो आप अभी मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको इसका कोड भी हम बताने जा रहे हैं कि किस कोड के द्वारा। मैं मुखिया जी, एकलव्य मानव संदेश न्यूज चैनल कटिहार। नाम है आपका? मुजामिल। मुजामिल, मुजामिल क्या, मोहम्मद? मोहम्मद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजामिल। घर कहाँ है? घर बोरा। ये पीछे वाला घर आपका है जी? आप दो किस्त उठा लिया इंदिरा आवास का, घर क्यों नहीं बना? घर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए बालू गिट्टी सब कुछ किए हैं, जोगाड़ करेंगे। दो किस्त कैसे उठा लिए? जैसे ये मजबूरी था इसीलिए उठाए। मजबूरी तो कौन आपका हेल्प किया उठवाने में? वही कस के बोलिए बोलिए बोलिए। साबिर। साबिर कौन है साबिर? कलकत्ता में। क्या है वो? मेंबर है। मेंबर। अच्छा, तो आपका नियम है कि एक किस्ती जब ही उठेगा जब आप कुर्सी तक कीजिएगा और लिंटर तक दूसरा, आप दोनों नहीं किए हैं, आप दोनों किस्त कैसे उठा? नहीं सर, वो उठा लेंगे। उठा लीजिए। समय कितना पैसा खर्चा किए इंदिरा आवास लेने में अभी तक? में अभी तक मैं कितना खर्चा किया? 10,000, यही लगभग 15,000। 10,000 किसको दिए? वही जो जो पैसा लिया था। के नाम बोलिए। छोड़िए। घर कहाँ है? घर बोरा। अच्छा, ये मुजामिल हक को पहचान रहे हैं, उन्हीं का घर है ना ये? अच्छा, इनका घर पक्का का घर अभी कहाँ बना है सर? अब कहाँ बना है, काहे कि जो सर ईटा उटा लिया, अभी ईटा नया निकला ना, इसी वजह से ये लोग ईटा नहीं ला पाया है। कब लिया था ईटा? घर में जाना है, वो घर में नहीं था इसीलिए। इंदिरा आवास आया था लोग। अच्छा, उसी का पैसा जो उठाया ना ईटे वाला को दिया, लेकिन अभी ईटा जो है दो दो किस्त का पैसा उठ किया साहब, घर नहीं है। आपको घर कहीं भी दिख रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं बना है, लेकिन नियम है कि जब तक आप कुर्सी लेवल तक नहीं करेंगे, पहले कुर्सी तक भी है नहीं है ना? लेके रखा है। हाँ, वो बोला वो गया था कश्मीर। ये कला आदमी का मिस्त्री वाला काम ये है, बेटी है ये नहीं है, वो ही काम करता है।
करना है, बस रिपोर्ट देना है कि बस ऐसे वो। भाग जा।